महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने महायुति और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ सीधा निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एआईएमएम की ओर से विदर्भ स्तरीय पक्ष प्रवेश व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे नागपुर व विदर्भ के सभी जिलों से तकरीबन 400 लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं एआईएमएम में प्रवेश कर रही है। इस कार्यक्रम में वो पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी में चर्चा की जाएगी। विदर्भ में किन पार्टी पर अपने उम्मीदवारी खड़ा करना है, इस पर भी निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। त्यांचा नाव घेऊन या समाजामध्ये ते तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे, ते खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांची ओळख झालेली नाही आहे। आम्ही त्यांचं नाव घेऊन कधीही राजनीती केलेली नाही आहे, आणि जे लोक त्यांचं नाव वापरून जाती जाती धर्माधर्मा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे, ते एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते ते एकदा वाचून बघा। आणि दुसरा, छत्रपती संभाजी महाराजांचं जे परिवारातले जे लोक आहे, कोल्हापूरमध्ये जे घटना घडली होती, तर छत्रपती संभाजी महाराजांची पुस्तक ते छत्रपतीने मला दिल्लीमध्ये दिली होती, ती पुस्तक मला, की छत्रपती संभाजी महाराज कसे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करणारे होते, बहुतेक ते विसरले होते, म्हणून ते पुस्तक मी त्यांना परत पाठवली आहे की बाबा मी तर वाचलं, आपण विसरलं असेल। माझी भूमिका स्पष्ट होती, त्याच्यामध्ये काही किंतु परंतु नाही आहे। माझी ओळख ही त्या शहरामध्ये जन्म झालेला होतं माझा, आणि एक शहराची ओळख एका माणसाची जुळलेली असतं। अचानक तुम्ही इतकं वर्षानंतर तुम्ही सांगणार आहे, आणि त्याचा हिस्टॉरिकल काहीतरी एक रेलिव्हन्स असायला पाहिजे। मग मी एक प्रस्ताव दिला होता की पुण्याचं नाव तुम्हाला बदलण्याची हिम्मत आहे का, करा ना त्याचं नाव फुले, सावित्रीबाई फुलेचा तर खूप मोठा काम आहे ना पुण्यामध्ये, तर पुण्याच्या ऐवजी फुले नाव ठेवा, तुम्ही कोल्हापूरचं नाव बदला। प्रवेश हुआ महिलाओं का, उसके बाद महायुति सरकार ने जो है लाडली बहनों का जो है कार्यक्रम किया, हजारों में वहां पर हुए, तो क्या एमएम ने अब उनके बाद में जो है महिला मेड़ावा किया है, तो क्या उनके नक्शे कदम पे एमएम? नहीं नहीं नहीं, खुदा ना करे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि मतलब इनके नक्शे कदम के ऊपर चलने के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं इसमें। देखिए, हमने हमेशा से है तो हमारी लेडीज को हमने राजनीति के अंदर आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। हमारी महिलाओं की महाराष्ट्र की अध्यक्ष है, कई शहरों के अंदर हमारे महिला विंग्स है। अब नेचुरल है कि उसको और थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ नागपुर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आप, इतना बड़ा महाराष्ट्र है उसके अंदर आप सिर्फ एक ही शहर के ताल्लुक से पूछ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। कारा न्यूज के लिए सचिन छोड़ापे के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। अठारह साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तश्रृंगी नगरी मौजा साले गोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल सीबीएसई स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, पीएचसी हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई, ईएमआई ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस, हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर।